So the Kashmir conundrum is today's topic, and we will work on this topic from the story, the historical background. तो जरा स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड से अगर हम बात करें तो कश्मीर जो है 7th सेंचुरी में, कश्मीर 7th सेंचुरी के अंदर जो है इंडिपेंडेंट किंगडम रहा है। 7th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो कश्मीर यहाँ पर जो है वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम है, इंडिपेंडेंट किंगडम। और यहाँ पर जो है रूलर जो है वो जी 7th सेंचुरी में जो है वो दुर्लभ वर्धान जो है वो जी यहाँ का ऑफ कॉरकोट वो इंडिपेंडेंट रूलर है इस वक्त, अगर हम बात कर रहे हैं कश्मीर की जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं। जी ओके, तो जी हम इसके बाद हम बात करते हैं। तो इट यूज्ड टू बी अ पावरफुल किंगडम व्हिच कंकर्ड अ बल्क ऑफ सराउंडिंग एरियाज। अगर हम इसकी बात करें कश्मीर की, अगर हम 18th सेंचुरी में बात करें, आवाज आ रही है मेरी क्लियर आपको? ठीक है जी। तो जी एंग्लो सिख वार जो थी, एंग्लो सिख वार जो कि 1845 से 1856 तक चली, यहां पर जो है इस वार के एंड के बाद यहां पर ब्रिटिश एम्पायर जो है राइज में आती है, ब्रिटिश एम्पायर। एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एनेक्स्ट करती है जी कश्मीर वैली को। इस कश्मीर वैली को इस एंग्लो सिख वार के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स करती है, और ये होता है जी ट्रीटी ऑफ लाहौर के थ्रू, ट्रीटी ऑफ लाहौर। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो ब्रिटिश है लेटर, और ब्रिटिश जो है वो सेल करती है इस चीज को, कश्मीर को, कश्मीर वैली को सोल कर देती है गुलाब सिंह को 7.5 मिलियन के अंदर। और जो है इसको कहते हैं, ये ट्रीटी होती है इनके बीच, इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। एंड देन जो है हम देखते हैं पार्टीशन के बाद, आफ्टर द पार्टीशन, ये जो जब बात आती है प्रिंसली स्टेट की, प्रिंसली स्टेट्स थी अराउंड 500 से अबव, प्रिंसली स्टेट थी आफ्टर पार्टीशन की बात हो रही है, 1947 के बाद की। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है कि कौन सी जो स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है या पाकिस्तान है, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स को अलाउ किया जाता है कि आप ज्वाइन करें इन इंडिपेंडेंट रीजन्स को, आइदर यू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। देन हरी सिंह जो है ना वो डिले कर देता है एक्सेसेशन टू पाकिस्तान, और हरी सिंह जो है वो इस वक्त रूलर जो है इंडिपेंडेंट, अगर हम बात करें 1947 के टाइम की, तो यहाँ पर रूलर जो है वो हरी सिंह है। अब कश्मीर जो है वहां पर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन रूलर जो है वो हिंदू है। तो रूलर हिंदू जो है वो डिले करता है एक्सेशन को, क्योंकि यहाँ पर रूल अप्लाई होता है जिसको कहते हैं कि मेजोरिटी जो पीपल्स मेजोरिटी होगी वही एरिया जो है उस रीजन को मिलेगा। यानी अगर पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया मोस्टली मुस्लिम एरिया रीजन को ही ज्वाइन करेंगी, लेकिन यहाँ पर रूलर जो है वो इंडियन है, हिंदू है, तो वो डिले कर देता है कि हम जो है एनेक्सेशन जो है वो एक्सेसेशन इसको कहते हैं, असेशन जो है वो हम डिले कर देते हैं। उसके बाद वो चाहता है कि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट रीजन रहे, कश्मीर इंडिपेंडेंट रीजन। ये जो है जी हरी सिंह की बात हो रही है। अच्छा देर हम बात करते हैं, वी शुड तो हरी सिंह जो है जो इंटरेस्ट था कि आइदर वो चाह रहा था कि मतलब जिसके मैं फेवर में जाऊं, मोस्टली वो इंडियन की जो है वो फेवर में होता है कि हम इंडियन के साथ जो है एक्सेशन कर लें, लेकिन इसकी वजह से जो है वो जो इशू है यहां से वो अनरिजॉल्व हो जाता है। देन हम बात करते हैं इंडो पाक रिलेशंस की। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको कश्मीर का बताया जो कि 7th सेंचुरी के बाद बताया। अब अगर हम इंडो पाक रिलेशंस को देख लें, अवर कश्मीर को, इंडो पाक रिलेशंस अवर कश्मीर, तो यहां से हम जरा स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब कश्मीर की मैंने बात बताई कि कश्मीर देख लें आप, कश्मीर यहाँ पर इस वक्त 1947 के बाद जो है वो एक मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जी रूलर जो है वो हिंदू है, हिंदू राजा है। तो यहाँ पर इंसर्जेंसीज स्टार्ट हो जाती हैं, हॉस्टिलिटीज स्टार्ट हो जाती हैं, पीपल जो है वो अगेंस्ट, जो जो ट्राइब्स मैन थे, ट्राइब्स मैन जो है वो अगेंस्ट रूलर जाते हैं और चाहते हैं कि वो जो है मुस्लिम एरियाज को ज्वाइन करें। हरी सिंह जो है यहाँ पर वो कॉल करता है इंडिया को सपोर्ट के लिए, और इंडियन इनके साथ जो है इंस्ट्रूमेंट जो है इंडियन
ट्राइब्समैन की इन पर जंग हो जाती है 1948 के अंदर, जो है 1948 जो कश्मीर की जंग होती है। और इसी जंग को रिजॉल्व करने के लिए हरी सिंह फेवर करता है इंडिया को कि हम आपके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो है वो साइन होता है जो है 25 अक्टूबर 1947 में, ये साइन होता है हरी सिंह इसके फेवर में। ये जो वार होती है ट्राइब्समैन की, ये जो कश्मीर की डिवीजन है वो तो 1948 में हो जाती है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन वहीं से, जब इंडिपेंडेंस का आगाज हुआ तो हरी सिंह ने फेवर दिखाई दी कि हम इंडियन पॉपुलेशन को ज्वाइन करेंगे। तो जब ये 1948 में जी ये जब जंग होती है 1 जनवरी को, तो इस जंग के दौरान जो है इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ जिसको सक्सेशन के थ्रू इंडिया जो है वो इस मैटर को यूएन में लेकर जाती है, इस मैटर को कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन एंड कश्मीर शुड बी द पार्ट ऑफ द इंडिया एंड देन पाकिस्तान इज ट्राइंग टू एनेक्स दैट एरिया। एंड देन 24 अप्रैल 1948 को यहाँ पर जो है जी रेजोल्यूशन पास होती है यूएन रेजोल्यूशन के थ्रू, जिसके बात की जाती है कि दैट थ्रू अ फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट की बात होती है, फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट कि ये कश्मीरी पीपल जो है अपने डिसीजन खुद लेंगे, कश्मीरी अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड करेंगे थ्रू एक समझे के वोटिंग पैनल के थ्रू। उसके बाद जो है चार और रेजोल्यूशन पास होती हैं इस रेजोल्यूशन के बाद, यूएन रेजोल्यूशन उसके बाद रेजोल्यूशन पास होती है जो कि बात करती है डिमिलिटराइजेशन ऑफ द जोन, इसकी बात होती है कि ये जो जंग क्योंकि स्टार्ट हो चुकी होती है तो वो कहते हैं कि आप जो है अपने अपने एरियाज को लीव कर दें और यहाँ की मिलिट्री जो ऑक्यूपाई की हुई है उसको लीव कर दें आप। देन हम बात करते हैं 1948 के बाद, अगर हम बात करें 1948 के बाद आफ्टर रिलेशंस, पहले आपने देख लिए 1948 से पहले के, और अगर हम बात के रिलेशन हो जाए तो हमने कश्मीर पर वार्स भी देखी इंडिया और पाकिस्तान के दौरान, जो कि जिसमें जिसमें हम कहते हैं कि ये जो कश्मीर 1965 की जंग थी जो 1965 वार थी वो असल में कश्मीर पर सेकेंड वार थी जो है वो। उसके बाद हम कारगिल वार भी देख लेते हैं पाकिस्तान की, कारगिल वार जो है 1999 की, और फिर कुछ स्कर्मिशेस जिनको कहते हैं छोटे छोटे झगड़े जिसको कहते हैं स्कर्मिशेस हम देखते हैं, तो वो स्कर्मिशेस जो है इंडिया पाकिस्तान के हमें नजर आते हैं दिसंबर 2001 में, जब जो है वो अटैक होता है, अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट। तो जी ये अटैक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट जो है एक वार जो है जोन की तरफ लेकर जाता है, जब इंडिया अपनी मैसिव ट्रूप्स जो है बॉर्डर की तरफ सेंड करती है। देन हमें एक और बड़ा स्कर्मिश, इस तरह के बहुत सारे स्कर्मिश हैं, 2008 में हमें मुंबई बम धमाके जो है मुंबई इंसिडेंट भी हमें जो है नजर आता है। उसके बाद अगर अब रिसेंट की बात कर लें, फेबरी 2019 में एक और इवेंट होता है जिसको कहते हैं पुलवामा अटैक, और हम देखते हैं कि इसमें जो है वो इंडियन जो है फाइटर जेट्स जो है वो पाकिस्तानी एरिया को जो है सवरेनिटी को एयर स्पेस की वायलेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। और देन हम 2019 के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर नजर आता है 2019 के बाद अगस्त 2019 में हमें इंडिया की तरफ से एक जो है इवेंट नजर आता है, जिसमें इंडिया जो कश्मीर के जो यूनिलेटरली जो जो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी दी गई थी जो है यूएन के थ्रू आर्टिकल 350 जिस और फिर जो है 35A जो कि डेमोग्राफिक चेंजेस ऑफ द कश्मीर रीजन यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, एंड देन फिर एक और एक पार्ट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये इंडिया की तरफ से पास होता है। और ये जो बायस्ड लॉ पास होता है, ये डेमोग्राफी इलीगली जो है ना ये ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर स्टार्ट होती है, और ग्लोबल रेस्पॉन्स हमें इसके बाद मिलता है, कश्मीरी राइट एक्टिविस्ट वो भी इस प्रोटेस्ट करते हैं इंडियन एम्बेसी के बाहर और ब्रसल्स में, इवन यूएन में पीएम इमरान खान जब थे तो उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया अपनी जो है यूएन जो है जनरल असेंबली मीटिंग के अंदर। तो जरा हिस्ट्री जो है, क्योंकि आज पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो हम जरा कश्मीर जो है पाकिस्तान अफेयर के परस्पेक्टिव से देखेंगे। देन हम बात कर लेते हैं कि भाई कश्मीर पर, ये तो सारी कहानी थी, कश्मीर पर सॉल्यूशंस क्या दिए गए, क्या हिस्टोरिकल कश्मीर कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस दिए गए। जी बिल्कुल, जो है सबसे बड़े कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि पहली जो हम जिसको कहते हैं रिलीजियस जो है ओवन डिक्सन प्लान, जिसको कहते हैं ओवन डिक्सन प्लान जो है ये असल में रिलीजियस आप कहते हैं कि सेग्रीगेशन है रिलीजियस लाइंस पर कश्मीर की डिवीजन। मैं इसको स्टार्ट कर दूं, ओके तो यहाँ पर जो रिलीजियस सेग्रीगेशन जो है ओवन डिक्सन अपना प्लान देता है, ये 1950 में, या ऑस्ट्रेलियन जो है डिप्लोमेट होता है 1950 में ये अपना प्लान देता है। ये कहता है कि सर ओवन कहते हैं कि जो है वो प्लान के मुताबिक आप बाउंड्रीज को रीड्रा करें रिलीजियस लाइंस पर, बाउंड्रीज की सेटलमेंट जहां मुस्लिम मेजोरिटी है वो एरिया जो है आप मुस्लिम्स
को दे दें, मतलब पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, और जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल जो चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर, इसकी आप जो है देख लें, एज ए नेचुरल बॉर्डर कर लें, इसको आप नेचुरल बॉर्डर रख लें, और यहाँ से डिवीजन जो है आप कर लें, मेजोरिटी ऑफ एरिया जो मुस्लिम की है वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, एंड देन जो हिंदू मेजोरिटी है वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, ठीक है। आप चाहें तो वैली को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। देन फिर हमें दूसरा मॉडल नजर आता है जिसको हम कहते हैं अंडोरा मॉडल, अंडोरा मॉडल। अब ये 1998 का जो है ये डिमिलिटराइजेशन पर है, डिमिलिटराइजेशन, डिमिलिटराइज जोन। इसके अंदर ये बात है कि कश्मीरी स्टडी ग्रुप, ये कश्मीरी स्टडी ग्रुप जो है वो तो ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट ने दिया था ये फॉर्मूला, समझे कि इसको ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला कह रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलियन। दिस वाज अ कश्मीरी स्टडी ग्रुप जो लंदन में थे उस वक्त, ओके। और उनका ये जो है क्या था कि आप इस पूरी एरिया को ना, जैसे फ्रांस और मॉडल ये था कि फ्रांस और जैसे स्पेन का जो बॉर्डर्स हैं, पोरस बॉर्डर, यानी आप मिलिट्री को हटा दें, इट इन्वॉल्व द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आप सेपरेट, सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, सेपरेट आइडेंटिटी, जम्मू एंड कश्मीर को डिफरेंट कर दें इन द सेम वे एज एंडोरा, विच फ्री एक्सेस टू द एंड फ्रॉम बोथ ऑफ इट्स लार्जर पार्टनर्स, यानी जम्मू एंड कश्मीर शुड बी डिफरेंट एंड अदर एरियाज जो आप एनेक्स कर चुके हैं वो आप एनेक्स करने दें, और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनल एंटिटी होगी, और दोनों पाकिस्तानी और इंडिया जो है दोनों को ये अलाउ होगा कि वो इस बॉर्डर को क्रॉस कर सके इंटरनेशनल वीजा के थ्रू। देन यूएन रेजोल्यूशन जो बात करते हैं हम, मॉडल यूएन रेजोल्यूशन मॉडल जिसको कहते हैं कि लेट कश्मीरी चूज देयर ऑन जो है पाथ, यानी आप जो है प्लेबिसाइड करा दें कश्मीर में और वो ज्वाइन करें, आइदर वो अगर इंडिया को सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं, तो देयर शुड बी द पार्ट ऑफ द इंडिया, दे आइदर दे ज्वाइन पाकिस्तान, दे शुड बी द। देन देयर इज अनदर फार्मूला नोन एज द चिनाब फार्मूला, दिस इज बाय द सरदार अब्दुल कयूम खान, सरदार अब्दुल कयूम खान फार्मूला फॉर द कश्मीर रेजोल्यूशन। इसके अंदर जो है वो कहते हैं कि ये भी एक चिनाब फॉर्मूला के अंदर जो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ चिनाब रिवर। मैं आप यहाँ एक और पेज बना लेते हैं, वो कहता है ये जो जम्मू एंड कश्मीर है इस रीजन को आप डिवाइड कर दें ऑन द लाइंस ऑफ चिनाब फॉर्मूला, चिनाब रिवर, ये जो चिनाब रिवर यहाँ से गुजरता है, इट डिवाइडेड द नॉर्थ ऑफ द रिवर पार्ट, यानी अब कह रहे हैं कि नॉर्थ जो है नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान को जाए और साउदर्न पार्ट को आप जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया को पार्टिसिपेट करा दें। तो जी ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि प्रेजेंट किए गए। उसके बाद एक और जो है फाइनल जो फिफ्थ मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं कि जी 4 पॉइंट फार्मूला, और ये मॉड्यूल जो है जी जनरल मुशरफ ने दिया था। दिस इज नोन एज कश्मीर शुड हैव सेम बॉर्डर्स बट फ्री मूवमेंट, यानी सेम स्टेटस हो और फ्री जो है उसके साथ क्या हो, फ्री मूवमेंट। मैं ये पॉइंट्स आपको भेजूंगा, आप सुन ले इस बात को, के रीजन के थ्रू और जो पीपल हैं दोनों साइड के लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी के जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उनको इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्नेंस, यानी आप ऑटोनॉमी दे दें बट नॉट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए कश्मीर को, अपनी जो है किसी की इंडियन जो है वो गवर्नमेंट लीड ना करे बल्कि सेल्फ गवर्नमेंट हो, ठीक है। और उसके बाद जो है रीजन शुड बी डीमिलिटराइज, डीमिलिटराइज यानी यहाँ पे मिलिट्री जो है रोल उसको खत्म कर दें, एंड देन अ मैकेनिज्म शुड बी डिवाइज्ड जॉइंटली सो दैट द रोड मैप फॉर कश्मीर इज इंप्लीमेंटेड स्मूथली, यानी डायलॉग ओवर कश्मीर। दिस इज द 4 पॉइंट फार्मूला डन बाय द जनरल मुशर्रफ। तो हमने कश्मीर को हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में भी देखा, तो आज की जो जरा समरी है मैं इस टॉपिक की जरा समरी भी बना देता हूँ। आज हमने क्या देखा, वो जरा हमने हिस्ट्री को देखा, एंड देन हमने हिस्ट्री में 7th सेंचुरी से इसकी आगाज किया, और देन फिर हमने इसके 1947 देखा, देन हमने हिस्ट्री के बाद इंडो पाक रिलेशंस देखे अवर कश्मीर, क्योंकि हमने 1948 से जो है जी 2020 तक देखे उसके, और इवन आज का नहीं देखा, लेकिन उसके बाद फिर हमने एक और देखी सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन सेट देखे हमने, जिसमें हमने 4 प्लान्स डिस्कस किए। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास।
अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास होगा वो करंट पाकिस्तान सिनारियो में, जिसमें करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के पास क्या सोल्यूशन सेट अवेलेबल है कश्मीर काज को ग्लोबली रिवाइटलाइज करने के लिए, और फिर पाकिस्तान कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कर सकता है। इंडियन जो है इस वक्त जो है मोदी गवर्नमेंट के अंदर कश्मीर के साथ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या क्या हो रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर जो है हिंदुत्वा की जो पॉलिसी है और बीजेपी की जो पॉलिसी है इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, वो किस तरह जो है डेमोग्राफिक चेंज कर रही है मुस्लिम्स का, तो इस पर्सपेक्टिव में हम जरा उसको देख लेंगे कश्मीर को, और फ्यूचर सेटलमेंट, और फिर ग्लोबल पावर्स की क्या कंसर्न्स है ऑन द कश्मीर इशू। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जो आज हमने